मेरे अपने चैनल पे आपने कई सारी वीडियोस देखी होगी भारत की टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स के बारे में, लेकिन अगर पिछले 7-8 साल की वीडियोस अगर देखे तो वही सेम बिल्डिंग्स आपको रिपीटेड उस लिस्ट के अंदर देखने को मिलती है। क्या इसका मतलब यह है कि भारत में जब वो बिल्डिंग्स बनी उसके बाद में कोई भी दूसरी मेगा टॉल या सुपर टॉल बिल्डिंग बन नहीं पाई? तो इसका जवाब है नहीं। एक बीच में गैप जरूर था, लेकिन अब धीरे धीरे हमें उन बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए नजर आ रहा है, अप्रूवल आते हुए नजर आ रहा है, जो आगे जाकर इंडिया की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से एक होगी। और आज जो मैं लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा वो ज्यादातर ऐसी बिल्डिंग्स का होगा जो आने वाले फ्यूचर में इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स होगी और जिनके बारे में आप में से कई लोगों ने अब तक सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट्स नए हैं, कुछ बहुत रिसेंटली अप्रूव्ड है, तो ज्यादा डिटेल्स कई प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे पास में नहीं है, तो आपको बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ज्यादा जानने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी चीजें हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ट्विटर पे ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें पोस्ट करने वाले मिस्टर हल्दी लाल का, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इस वीडियो के लिए। तो शुरू करते हैं। नंबर वन, ओशन टावर्स 1 और 2 66 फ्लोर्स के, जहां पर 331 और 330 मीटर्स की इनकी हाइट होगी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई के अंदर ये बन रहे दो नए शानदार लग्जरी रेसिडेंशियल टावर्स होंगे जो कि मरीन ड्राइव के पास में स्थित है गिरगांव एरिया में, जहां पर जो लैंड प्लॉट है यहाँ पर पहले इंडिया टावर नाम से एक बिल्डिंग बनने वाली थी जो दुनिया की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग होती। उसके ऊपर एक केस स्टडी हमने बनाई है कि क्यों वो बिल्डिंग बन नहीं पाई, लेकिन अब उसकी ही साइट पर ये दो सुपर टॉल बिल्डिंग्स बनने वाली है। ये जो बिल्डिंग्स होंगी उनके अंदर 9 लिफ्ट्स होगी लॉबियों में, यहाँ पर एस्पेक्ट्स अपार्टमेंट के ऐसे होंगे कि 2/3 भाग में प्राकृतिक रूप से वेंटिलेशन किया जा सके, और 66 फ्लोर्स के ये जो बिल्डिंग्स होंगे वो ट्विन टावर्स होंगे और एक लेवल पर वो जुड़े हुए होंगे, जहाँ पर बहुत बेहतरीन सी व्यूज ये देंगे यहाँ पर बिकने वाले मल्टी करोड़ अपार्टमेंट्स के जरिए। नंबर 2 पे है आराध्या आह्वान 1, ये एक 80 फ्लोर्स की बिल्डिंग है जो 307 मीटर के हाइट तक पहुंचेगी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो बिल्डिंग है ये मुंबई के तारदेव एरिया के अंदर अभी करेंटली बन रही है और इसके लिए जो टोटल अप्रूवल है हाइट की वो आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ आगे बढ़ने के पहले, कई लोगों को ये डाउट्स होगा कि मुंबई के अंदर 280-300 मीटर के ऊपर की बिल्डिंग्स नहीं बन पाती एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से, जो कि काफी हद तक सही है, लेकिन कुछ इश्यूज यहाँ पर बीच में रिजॉल्व हो गए थे जिसके बाद में यहाँ से थोड़ी ज्यादा हाइट्स पे ऊपर जाने के लिए भी बिल्डिंग को परमिशन मिली थी। तो यहाँ पर जब भी मैं 300 प्लस मीटर की की बात करूंगा तो हम ऐसा अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये बिल्डिंग एक्चुअल में बनेगी, और इनफैक्ट जो अगली बिल्डिंग है वो इस चीज को ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी है, जो कि है मिनर्वा, या स्पेसिफिकली कहे तो लोखंड वाला मिनर्वा। ये बिल्डिंग कई सालों से लिस्ट में थी लेकिन अब ये बिल्डिंग टॉप आउट हो चुकी है। 91 फ्लोर्स यहां पर बन चुके हैं और 301.8 मीटर की टॉप हाइट के साथ में ये करेंटली इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस आर्किटेक्चरल फर्म है, उनके द्वारा मुंबई के महालक्ष्मी में ये डिजाइन किया गया है, जहां पर ये रेसिडेंशियल यूनिट्स प्रोवाइड करती है और कई बड़े नामचीन लोगों ने यहां पर अपने यूनिट्स खरीदे भी है। महालक्ष्मी रेसकोर्स और उसके आगे सी व्यू का नजारा ये देती है, जहां पर आपको मोर देन 15 करोड़ से शुरू होने वाले अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों जो बिल्डिंग है वो है लिबर्टी नॉर्थ 70 फ्लोर्स की, जो 301 मीटर के हाइट पे होगी और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों ये लिस्ट के अंदर के उन रेयर बिल्डिंग्स में से एक है जो एक कमर्शियल बिल्डिंग है कंप्लीटली। ज्यादातर अगर हम देश के बिल्डिंग्स के बारे में देखें तो वो रेसिडेंशियल निकल कर आती है, चाहे हाइट उनकी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन ये एक प्योरली कमर्शियल बिल्डिंग होगी जो कि ग्लास फसाड्स के साथ में बनाई जाएगी, और जो टिपिकल हमें दुनिया के अलग अलग देशों में कांच की बिल्डिंग जैसे बड़ी दिखती है वैसे ही ये भी होने वाली है। ये मुंबई के वर्ली एरिया में स्थित है और ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे कुछ हद तक अपना काम शुरू कर चुकी है। नेक्स्ट बिल्डिंग जो है वो है नवजीवन 1 और 2, ये दो बिल्डिंग्स होगी जिनके अंदर एक बिल्डिंग होगी 80 फ्लोर्स की, दूसरी बिल्डिंग 90 फ्लोर्स की, और ये 300 मीटर से ज्यादा की हाइट लेकर आएगी, और ये वैसे प्रपोज्ड बिल्डिंग्स है लेकिन काफी क्लोज है अपने अप्रूवल के। ये बिल्डिंग प्रोबेबली मुंबई के ईस्टर्न साइड में बनेगी और ये भी एक सुपर टॉल होगी। नेक्स्ट बिल्डिंग है ग्रांट रोड, तो यहां पर दोस्तों वैसे नाम जो साइट का है वो अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये अपनी साइट प्रिपरेशन शुरू कर चुकी है, यानी अप्रूवल इनको मिल चुका है और यहां पर बेसिकली जो फाउंडेशन के पहले वाला काम होता है वो अभी कुछ हद तक शुरू हो गया है। 75 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग होगी वो 300 मीटर से ज्यादा
ज्यादा के हाइट तक पहुंचेगी और नाम से पता चल रहा है ये ग्रैंड रोड एरिया के अंदर मुंबई में स्थित होगी। अगली बिल्डिंग जो है वो है नॉटिलस। 78 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग 300 मीटर्स की हाइट अटेन करेगी और ये भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो एक्चुअल में अपना ग्राउंड वर्क शुरू कर चुकी है। ये बिल्डिंग भी जो है मुंबई के तारदेव एरिया में मौजूद होगी जहाँ पर कई दूसरे बड़े स्काईस्क्रैपर्स के साथ में ही ये आसपास में घिरी होगी और इसका भी जैसे मैंने कहा काम शुरू हो गया है। नेक्स्ट बिल्डिंग जो है वो है हार्बर हाइट्स। ये भी दो टावर्स होंगे जहाँ पर 74 फ्लोर्स के साथ में 304 मीटर की हाइट ये रखेंगे और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग का वैसे पूरा प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है रेडियस हार्बर हाइट्स ANDE जो मुंबई के भाईकला एरिया में मौजूद है जो सदर्न मुंबई में आता है। ये एक रेजिडेंशियल स्काईस्क्रैपर होगा। 304 मीटर की हाइट जो होगी इसका कंस्ट्रक्शन साल 2023 में वैसे किया जा रहा है और उम्मीद भी इसके जल्द कंप्लीट होने की है। 9 नंबर पे है न्यू इंपीरियल ट्विंस जो कि 87 फ्लोर्स के होंगे 340 मीटर की हाइट के साथ और ये एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों अगर आप स्काईस्क्रैपर्स की हिस्ट्री को जरा फॉलो करते हो तो करेंटली जो बिल्डिंग्स इंडिया में टॉलेस्ट है उसके पहले के रिकॉर्ड जो है वो इंपीरियल टावर्स मुंबई के द्वारा होल्ड किए जाते थे जो कि ट्विन टावर्स थे। अब ये बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट दशक भर तक रिकॉर्ड होल्ड कर पाई थी लेकिन यहाँ पर यही लोकेशन के पास में दो नए इंपीरियल टावर्स बनने वाले हैं जो कि वैसे ही ट्विन टावर्स होंगे और ये भी आगे जाकर इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बनने का पोटेंशियल रखती है और मुंबई के तारदेव एरिया में ये मौजूद रहेगी और ये भी ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि अप्रूव हो चुकी है। और जो लास्ट बिल्डिंग है वो है सेंचुरी कमर्शियल जो कि 74 फ्लोर्स के साथ और 300 मीटर प्लस की हाइट के साथ में एक ऐसी बिल्डिंग है जो प्रपोज की गई है। ये बिरला ग्रुप के सेंचुरी मिल्स एंड अदर एसोसिएशन की जो लैंड पार्सल्स मुंबई में है वहां पर बनने की उम्मीद है और वैसे ये बिल्डिंग अभी प्रपोज स्टेट के अंदर है। अब जैसे आपको इस लिस्ट के अंदर ये समझ में आया होगा कि ज्यादातर बिल्डिंग्स के बारे में जो मैंने बात की उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि ये बहुत प्राइमरी स्टेज पर है। इनके बारे में अब तक ज्यादा मार्केटिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर अभी कुछ कुछ लेवल में पेपर वर्क बाकी है लेकिन आने वाले साल भर में आपको ज्यादा डिटेल्स इन बिल्डिंग्स के ऊपर देखने मिलेगी, ज्यादा बेहतर डिटेल्स प्लान एंड एक्चुअल फुटेजेस वगैरह के साथ में, और तब प्रोबेबली हम एक और वीडियो के ऊपर जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए ये लिस्ट आपके सामने हाजिर है और मिलेंगे अगले वीडियो में।